जानते हो अज़ियत क्या है? कहने को तो बहुत कुछ होना, मगर खामोश रहना। अगर लोग अपनी गुफ्तगू से गीबत, तोहमत और बहतान निकाल दें तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है, जो कि एक बेहतरीन इबादत है। एक अच्छा ताल्लुक हवा की तरह होता है, जो खामोश होता है मगर हमेशा आपके पास रहता है। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। कभी कभी हक पर रहने के बावजूद खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज़्यादा प्यारे होते हैं। क्या हमारी गहरी खामोशी किसी को ये बताने के लिए काफ़ी नहीं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया? खामोशी एक अजीम नेमत है, बिलखसूस उस मकाम पर जहाँ इख्तलाफ ज़्यादा, आवाज़ें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। दो चीज़ें इंसान की कमज़ोरी ज़ाहर करती हैं, जहाँ बोलना हो वहाँ खामोश रहना, और जहाँ खामोश रहना हो वहाँ बोलना। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो। तुम जितना ज़्यादा खामोश रहोगे उतना ज़्यादा सुनने के काबिल होगे।